नमस्कार, स्वागत है आपको ओनली न्यू नेशन में। इस वक्त बड़ी खबर प्रशांत किशोर को लेकर, क्योंकि खींचतान शुरू हो चुकी है। बड़ी बड़ी पार्टियां जो है प्रशांत किशोर की डिमांड कर रही हैं, और वहीं पर पीके का भाव जो है वो बढ़ चुका है। अब बड़े ओहदे पर और बड़े पद पर काम करना चाहते हैं प्रशांत किशोर, और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान भी किया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कौन सा पद दिया है, और वहीं पर कांग्रेस खेमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज है। बता दूं आपको, कांग्रेस में बड़ी भूमिका चाहते हैं प्रशांत किशोर। पार्टी ने एक डिसीजन लिया है और फैसला भी आखिरी ले लिया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने प्रशांत किशोर को लेकर क्या फैसले लिए हैं। बता दूं आपको, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक हो रहा उत्तर प्रदेश का, वैसे वैसे प्रशांत किशोर की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि बंगाल में प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सही नज़र आई थी। बीजेपी को उन्होंने कहा था कि ये सैकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, वही हुआ था, दहाई में ही सिमट गए और उसके बाद ये ऊपर नहीं बढ़ पाए। बता दूँ, देश के सबसे पुरानी पार्टी के साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नई राजनीति पारित शुरू होगी या नहीं, और होगी तो उन्हें क्या भूमिका मिलेगी, इन जब सवालों को पर जल्द ही कांग्रेस पार्टी फैसला लेने जा रही है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि प्रशांत किशोर राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका के साथ ही पार्टी से जुड़े फैसलों पर अपना रोल चाहते हैं। इसके लिए प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को कुछ सुझाव भी दिए हैं। बता दूं आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक प्रशांत किशोर ने यह सुझाव दिया है कि पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही एक स्पेशल एडवाइजरी कमेटी बनानी चाहिए, जो राजनीति से जुड़े बड़े फैसले ले। इस कमेटी में ज़्यादा सदस्य ना हो, और ये गठबंधन से लेकर चुनावी कैंपेन की रणनीति तक हर राजनीतिक गतिविधि पर चर्चा करके ही आखिरी फैसला लें। जरूरी ज़मीनी काम पूरा होने के बाद ये पैनल आखिरी मुद्दे के लिए पार्टी के में फैसले लेने की आला कमेटी यानी कि कार्यकारी जो समिति है उसके सामने प्रस्ताव रखेगा। बता दूं, खबर के मुताबिक प्रशांत किशोर पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाना चाहते हैं। अंदर खाने ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले महीनों में कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव करेगी, जिसके बाद कुछ नई नियुक्तियां तो होंगी, साथ ही नई समितियां भी बनाई जाएंगी। हालांकि विशेष पैनल पर सबकी नज़र होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी जल्द ही इसको लेकर फैसला ले सकती हैं। इसको लेकर करीब डेढ़ महीने से बातचीत जारी है। राहुल ने कांग्रेस नेताओं के संग बैठक भी की है। बता दूं, कांग्रेस ने हलकों में इसकी फुसफुसाहट तेज हो गई, मगर ना तो पार्टी और ना ही प्रशांत किशोर ने ऑन रिकॉर्ड कुछ कहा। नाम न छापने की शर्त पर इस मामले से जुड़े तीन लोगों ने कहा कि इस मुद्दे पर 22 जुलाई को राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में चर्चा की गई थी, और इसमें AK एंटनी, मल्लिका अर्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, कमलनाथ और अंबिका सोनी सहित पार्टी के लगभग आधा दर्जन से अधिक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पुनरुद्धार के लिए गांधी परिवार के सामने एक खाका पेश किया था। मामले से परिचित लोगों ने एक ने कहा कि 22 जुलाई की बैठक ये जानने के लिए थी कि प्रशांत किशोर के सुझावों के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। जो पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत से ठीक पहले पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिए गए थे। साथ ही दूसरे नेता ने कहा कि राहुल गांधी अगले कुछ दिनों में इस पर अंतिम निर्णय लेने वाले हैं, हालांकि उससे पहले वो पार्टी के नेताओं से परामर्श चाहते हैं। तो आज जिस तरह से राहुल गांधी ने इस तरह की बैठक की है, और बैठक के बाद अब डिसीजन क्या लिया जाएगा, कौन सा डिसीजन लिया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब ये राष्ट्रीय लेवल पर काम करना चाहते हैं, यानी कि जहां जहां चुनाव है वहां वहां ये जाना चाहते हैं, और जल्द ही कांग्रेस के लिए बड़ा काम करना चाहते हैं। और इनका कहना है कि गांधी का परिवार का जो है वो पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, उसमें उछाल की लहरें कम है, इसीलिए वो चाहते हैं कि पूरे विश्व में वो काम, पूरे भारत में वो काम करें, और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जो नाम बर्बाद हुए हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उनको उजागर करें। लेकिन अब देखते हैं कि मामला क्या कैसे होता है, क्योंकि जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही हैं प्रशांत किशोर राष्ट्रीय लेवल पर काम करेंगे पार्टी के लिए, लेकिन अब देखते हैं सच में सोनिया गांधी ये डिसीजन लेती हैं या नहीं लेती हैं।
प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय लेवल पर काम करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये सब चीज़ देखा जाएगा। और अटकलों की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो यही लग रहा 90% उम्मीद कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूब चुकी है, कांग्रेस पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, उससे कहीं ना कहीं इस तरह के लगता है कि जो खबरें आ रही हैं या फिर लोगों की जो राय, उससे यही लगता है कि हाँ, हो सकता है प्रशांत किशोर को बड़ा पद पार्टी में दे दिया जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि पार्टी में जिस तरह से इनका वर्चस्व धीरे धीरे कांग्रेस का ख़त्म हो रहा है, उससे भी यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद राहुल गांधी प्रशांत किशोर को एंट्री करने दें या ना करने दें, क्योंकि अभी तो सिर्फ माहौल ही बन रहा है और माहौल के साथ साथ सुप्रीमो कौन सा डिसीजन लेती हैं, क्या निर्णय लेती हैं, ये आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा। इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में राय लिखिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं, सच्चाई जनता के सामने पहुँचती है। और आज प्रशांत किशोर की जो डिमांड है वो सभी पार्टियों की डिमांड है, सभी पार्टी चाहते हैं कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं ही प्रशांत किशोर खड़े उतरने वाले हैं। और उसके बाद देखते हैं आगे का माहौल क्या बनता है, क्योंकि सोनिया गांधी भी चाहती हैं प्रशांत किशोर आ जाए, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर काम करने की अभी आखिरी फैसला सामने निकल कर नहीं आया कि उनका आखिरी फैसला क्या होगा, क्योंकि सुप्रीमो की भी को पता है कि हर जगह उनका चुनाव जो है वो हारती नज़र आ रही है। और उसके साथ उनकी पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो लगातार पार्टी छोड़ दे रहे हैं, और इन्हीं सबको नज़र मद्देनज़र रखते हुए सोनिया गांधी शायद उनको बड़ा पद दे दें। अब क्या हो सकता है क्या नहीं, ये तो सस्पेंस का मामला है। आगे सुप्रीमो कौन सा डिसीजन लेती हैं ये भी देखा जाएगा। लेकिन हम आपकी राय चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, सचमुच कांग्रेस पार्टी इनको राष्ट्रीय लेवल पर काम करने दे या न करने दे, क्योंकि प्रशांत किशोर एक अच्छे चुनावी रणनीतिकार हैं। उन्होंने जिस तरह से बंगाल में अपना पराक्रम दिखाया, बिहार में दिखाया, कई राज्यों में उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया, जिसका जीता जागता सबूत भी सबको पता है। और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे कि बड़ी बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि वो हमारे साथ आकर काम करें। लेकिन अब प्रशांत किशोर कहते हैं हम कांग्रेस पार्टी में काम तभी करेंगे जब हमको राष्ट्रीय लेवल पर काम दिया जाएगा। जहाँ जहाँ भी विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ पर हम अपनी टीम उतारेंगे, वहाँ हम सर्वे करेंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि एक विधानसभा उनको दे दी, एक राज दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। पूरा मामला क्या है हमने आपको दिखा दिया, अब आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।